हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक और यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी किए गए, जानेंगे हम यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, वीवीएससी फाइनल ईयर परीक्षा के नतीजे घोषित। जी हाँ दोस्तों, 85.40 फीसदी अंक अर्जित कर सीमा ने मारी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो न्यूज है यहाँ पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है आपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के तहत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के परीक्षा नतीजे कुलपति ने घोषित कर दिए। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। और इस न्यूज़ को आप आज दिनांक 23 अगस्त 2020 को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अमर उजाला न्यूज़पेपर में आसानी से रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फैजाबाद यानी कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अमर उजाला न्यूज़पेपर में आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, स्नातक छात्रों के परीक्षा नतीजे कुलपति ने घोषित कर दिए। इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय के कृषि स्नातक एवं बीटेक छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद भी समूचे भारतवर्ष में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज ने अपने विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के फाइनल ईयर का जो परीक्षा परिणाम है उसे घोषित कर ऐतिहासिक कार्य कर दिया है। शनिवार को बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस यानी कि वीवीएससी के अंतिम वर्ष के 33 स्नातक छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान भी 6 माह की इंटर्नशिप पूर्ण की गई, जिसमें कुलपति के अथक प्रयास से छात्रों को उनके गृह जनपद के निकट पशु अस्पतालों में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद की स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। जैसे जैसे जिस जिस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रिजल्ट की घोषणा होती जाएगी, आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यदि आपकी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ आप तक नहीं पहुँच पाती है, ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको यूट्यूब पर आकर सर्च कर लेना है आईएएस संसारी चैनल। जी हाँ दोस्तों, आईएएस संसारी चैनल को सर्च करके आप चैनल पर आ जाइए। वीडियो वाले सेक्शन में जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको आज की सभी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी की न्यूज भी आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।